शाहपुर थाने की पुलिस ने एटीएम में घुसकर चोरी करने वाले अभियुक्त को सीसीटीवी फुटेज से गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 5 नवंबर को सुड़िया कुआं स्थित एचडीएफसी बैंक एटीएम में चोरी करने वाले अभियुक्त को शिव मंदिर बौलिया रेलवे कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विकास प्रताप सिंह उर्फ विक्की पुत्र स्वर्गीय उदय प्रताप सिंह निवासी बनकटवा थाना पीपीगंज हाल पता अशोक नगर बसारतपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्त 5 नवंबर को सुबह समय 4 बजे से 5 बजे के बीच सुड़िया कुआं स्थित एचडीएफसी बैंक एटीएम में अज्ञात व्यक्ति द्वारा घुसकर चोरी करने का प्रयास कर रहा था कि एचडीएफसी बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई से प्रभारी निरीक्षक शाहपुर को चोरी के अलर्ट सूचना प्राप्त हुई, जिस पर शाहपुर पुलिस द्वारा त्वरित मौके पर पहुंचा गया, जिससे चोरी की घटना घटित होने से बच गई, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, हड़हवा फाटक चौकी प्रभारी महेश चौबे, कांस्टेबल वीरेंद्र सरोज, अरविंद कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, एटीएम में क्या काम है तुम्हारा? क्यों छू रही हो एटीएम? दिनांक 5 तारीख को प्रातः 4 से 5 बजे के बीच में थाना शाहपुर की पुलिस को एक अलर्ट फ़ोन आया, जो कि एचडीएफसी बैंक के हेडक्वार्टर से था, कि उन शाहपुर थाना क्षेत्र में ही उनके ही एक एटीएम में कोई व्यक्ति द्वारा घुस करके उसमें चोरी का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सीसीटीवी के माध्यम से हेडक्वार्टर तक उसके अलर्ट पहुंचा है। इस पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया,
इसको देखकर कि वो व्यक्ति वहाँ से फरार हो गया। वो किसी भी प्रकार की कोई चोरी वहाँ पर नहीं कर पाया। इसी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए संबंधित बैंक के कर्मियों द्वारा थाने पर एक मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। फुटेज के आधार पर और बाकी स्थानीय अभिसूचना के आधार पर इस व्यक्ति की पहचान हुई, जिसका कि नाम विकास प्रताप सिंह, जो कि थाना शाहपुर का ही रहने वाला है। पहचान होने के उपरांत एक टीम बना करके इसको कल दिनांक 10/11/2022 को इसको अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करके संबंधित मुकदमे में इसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। देखिए, अभी तक इसके द्वारा ये पहला ही वाक्य संज्ञान में आया है। बाकी और तथ्यों की जानकारी की जा रही है। इसके या इसके कोई और अन्य साथी अगर इस चीज़ में सम्मिलित है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।